हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड वंस अगेन चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कैसे आप अपने बाल को अच्छे से केयरफुली कलर कर सकते हो। तो इन सब कुछ जानने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। तो लेट्स सी। सो आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में है गार्नियर कलर नेचुरल, और कलर जो है कैरामल ब्राउन 2, नंबर जो है 5.32। इसमें लिखा है नो एमोनिया, सिल्की शाइनी और 100% ग्रे कवरेज। सो देखते हैं इससे क्या होता है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे बहुत ज़्यादा हेयर लॉस की प्रॉब्लम है, तो फिर भी मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। देखते हैं आगे जाके क्या नुकसान होता है। सो मुझे नहीं लगता कि इससे कोई भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि मैं बहुत ही केयरफुली इसे अप्लाई करने जा रही हूँ। तो देखने के लिए आप वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो ये है गार्नियर कलर नेचुरल, और आप देख सकते हो कलर कैरामल ब्राउन। और यहाँ पे कंटेंट ऑफ बॉक्स पे लिखा हुआ है, सब डिटेल्स लिखा हुआ है। और प्राइस जो है 180। एक ट्यूब है और एक कंटेनर है। सो एक बुक भी है और दो कंडीशनर फ्री है। सो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इन दोनों को मिक्स करके। सो लेट्स सी। इसके टेक्सचर आप देख सकते हो, वाइट कलर का टेक्सचर है। कंटेनर में लिखा हुआ है कि कैसे आप केयरफुली इसको मिक्स करके यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो कंटेनर में 70 ml और ट्यूब पे 60 ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन मुझे बस लिक्विड 40 ml और क्रीम 30 ग्राम की ज़रूरत है। तो फाइनली मैंने क्रीम और लिक्विड के अच्छे से मिक्स कर लिया है, और अब बारी है अप्लाई करने की। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको जो करना है, आपको अपने हेयर को अच्छे से घी के ज़रिए से इसको अप्लाई करने से पहले मैं अपने दोनों साइड पे हेयर को इक्वली 2 पार्ट कर लिया है, ताकि कलर को इजीली अप्लाई कर सकूं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने अपने हेयर को बोथ साइड पे 2 पार्ट्स इक्वली कर लिया है। इससे पहले भी मैंने कलर किया था, तो आप देख सकते हो थोड़ी बहुत कलर है मेरे बाल में। मेरी ड्रेस खराब होने वाली है अभी, सो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे मैं अपने बालों को कलर अप्लाई करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैंने अपने हेयर पे इस कलर को अच्छे से अप्लाई कर लिया है, और 1 घंटे बाद मैं जाऊंगी इसको वॉश करने, और फिर देखूंगी कि कैसे एप्लीकेशन कंप्लीट किया है मैंने। और मैं आप लोगों के साथ मिलूंगी इसको अच्छे से ड्राई करके और वॉश करके। सो अब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।